हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब 7.3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि शीर्ष ये दिया हुआ है 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज, ये तीनों एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष के निर्देशांक हैं। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुजाओं वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज बना है इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, इस क्षेत्रफल मतलब मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। मतलब हमको पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए पहले इसी को निकाल लेते हैं, दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ही। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसी में देखिए, अब हमने अब तक जो सवाल लगाया वहाँ तक आप लोगों को याद हो चुका होगा किसी इसको मानेंगे x1y1 x2y2 x3y3। ठीक, क्रम से मान लीजिए, चाहे इधर से या इधर से। तो x1y1 x2y2 x3y3 मान रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूले में हम सूत्र रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिए हुए त्रिभुज ABC, दिए हुए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो यहाँ रखिए 1/2। ये देखते हैं ABC का क्षेत्रफल, तो ABC में x1 y1 पहले लिखिए क्या होता है, x1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो x1 0 हो गया, फिर x1 हो गया y2 - y3, y2 यहाँ से मिलेगा y2 3। देखिए पहले x होता है फिर y होता है ना, तो ये 1 2 3 मान लिए, जो पहले होगा वो x होगा, जो बाद में होगा y होगा, 1 2 3। तो पहले x1 हो गया, फिर y2 ये हो गया, -y3 1। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे x2 कितना है, 0। ठीक है, x2 अब यहाँ होता है y2 के बाद 3 1 आएगा, y3 y1, y3 कितना बनेगा, 1, y3 - y1 1 कितना होगा, ये +1। x1 x2 अब क्या लिखेंगे, x3 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 2, x3, अब y1 - y2, ध्यान समझिए, y1 y2, y1 कितना आया, -1, y1 के बाद y2 - 3। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 1/2, अब 0 से करेंगे, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है ना, तो दोनों 0 हो जाएगा, बचा क्या, 2 - -3 - 1 कितना मिलेगा, -4, सही है। अब ये कितना आया, -8/2, 2 से काट दीजिए 4 आ गया, ये -4 आया, चूंकि क्षेत्रफल तो शून्य हो ही नहीं सकता, तो ऋणात्मक प्रश्न ही नहीं है, तो माइनस में नहीं होगा, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4 वर्ग इकाई। ठीक, ये दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। मध्य बिंदु तो मान लेंगे हम AB का मध्य बिंदु, यहाँ लिखिए AB, या ऐसे लिख लीजिए एक बार में, त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं कौन कौन भुजा है, AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु क्रमशः क्या मानेंगे हम, PQR। ठीक है, क्रमशः PQR, अब P जो है इसको हम मान ले रहे हैं x1 y1, ठीक, Q x2 y2, और R हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो अब एक एक निर्देशांक हमको निकालना होगा, P क्या है,
ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। बात ये क्षेत्रफल कितना आया, चार वर्ग इकाई। अभी यहाँ हमें यहाँ लिख दे रहे हैं चार वर्ग इकाई, यही आया है ना। चलिए अब पी का निर्देशांक निकालेंगे। पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु। तो लिखिए ए बी के मध्य बिंदु क्या, पी का निर्देशांक। ठीक, मध्य बिंदु पी का निर्देशांक निकालिए, क्या होगा, यक्स वन प्लस यक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। यानी यक्स वाला पद यानी आगे वाला पद जोड़ करके बटे दो कर लीजिए, वाई वाला जोड़ करके बटे दो कर लीजिए। यक्स वन प्लस यक्स टू बाई टू यानी जीरो प्लस जीरो बाई टू, और ये माइनस वन प्लस थ्री बाई टू कितना आएगा, जीरो अपान टू जीरो हो गया, ये कितना मिल गया, टू अपान टू वन आएगा, सही है, जीरो वन आ गया, ये बिंदु पी मिल गया। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये मिल गया जीरो वन। ठीक, अब इसी तरीके से क्यू का निर्देशांक निकालिए। क्यू क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है ना, बी सी के मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक। ठीक, क्यू का निर्देशांक लिखिए क्या आएगा, क्यू बी सी का मध्य बिंदु, अब इसको जोड़ करके आधा करेंगे, जीरो प्लस टू बाई टू, अब फिर थ्री प्लस वन बाई टू। ठीक, अब ये मिल गया टू बाई टू और ये हो गया फोर बाई टू। ठीक है, ये कट गया, वन आएगा ये टू आएगा, वन टू। ठीक, अब इसके बाद निकालेंगे, यहाँ नीचे लिखते हैं, तो बी सी के हो गया, फिर ए सी निकालिए। ए सी के मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, आर का निर्देशांक। अब निर्देशांक निकालिए इसका क्या आएगा, जीरो प्लस टू अपान टू। ठीक, ये मिला माइनस वन प्लस वन बाई टू, ये आ गया दो बटे दो, एक आएगा, चलिए एक बार और लिख देते हैं एक, और इधर आएगा जीरो अपान टू, तो ये कट जाएगा कितना, एक, और ये मिल गया जीरो। ठीक, तो Q वाला निर्देशांक कितना मिला था, वन टू, रख दीजिए यहाँ वन टू। ठीक, R कितना मिला, वन जीरो, वन जीरो। ठीक, चलिए पी क्यू आर मिल गया। अब हमको क्या करना है, फिर से एक बार प्रश्न सुनिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ था, इसमें पूछ रहा था कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसको निकालेंगे हम। और क्या कह रहा है, तथा इस त्रिभुज, इस त्रिभुज मतलब मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, मध्य बिंदुओं से ये जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल और इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। दिया हुआ त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात माने बटे, तो दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, इस अंदर वाले इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों बिंदु चाहिए, तीनों बिंदु मिल गया। ठीक, चलिए अब डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, क्षेत्रफल निकालेंगे फिर। ठीक, बीच बीच में वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लिया कीजिए, साथ में हमारे साथ लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आता भी जाएगा और आसान, बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए अब क्या करेंगे, मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज क्या बन गया, पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं पी क्यू आर। तो यहाँ मिल गया हमारा, क्या मिला उसको लिखेंगे, यक्स वन वाई वन लिख लीजिए, यक्स टू वाई टू, यक्स थ्री। ठीक,
पी क्यू आर क्रमशः कर लीजिए, 0 1, इसको क्या माने, x2 y2 ना, अरे 0 1, ये मिलेगा कितना 1 2, और ये मिल गया r 1 0 1 0। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2, वही फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पे लिखना है तो, या डायरेक्ट भी लग के लगा सकते हैं, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है ना, 1 2 3 कम सा याद रखिए, 1 2 3, 2 के बाद 2 3 1 आएगा ऐसे, ठीक है। अब रखिए सब, कितना आएगा, 1/2, x1 कितना है 0, y2 2 y3 0, x2 1 y3 0, y1 1, x3 1, ठीक है ना, x3। अब y1 1 - y2 2, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब 1 का गुणा -1 में कितना आएगा, -1, ठीक है, -1 आ गया। अब इधर -1 × 1 कितना आएगा, -1, ठीक है। अब ये हो गया -1 कितना हो गया, -2/2, 2 काटिए कितना आएगा, -1, ठीक है, तो ये माइनस में तो होगा नहीं, तो लिखेंगे 1 1 वर्ग इकाई, ठीक। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या कहा था, त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा इस क्षेत्रफल और दिए हुए क्षेत्रफल का अनुपात, पहले कौन सा कहा है, जो पहले कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, भिन्न में अनुपात में जो पहले कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, पहले क्या कहा है, इस त्रिभुज मतलब मध्य बिंदु से जाने वाले त्रिभुज ना, और दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, इस त्रिभुज मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, रख दीजिए पी क्यू आर कितना आया, 1, यही आया ना पी क्यू आर, और ए बी सी का 4, तो ये आ गया 1/4, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, चलिए अगला देखिए, इसमें क्या है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः ये दिया हुआ है, -4 - 2 - 3 - 5 - 3 - 2 - 3, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता है ना, तो क्या करेंगे, इसके कोई भी विकर्ण मिला दीजिए, हम BD मिला दे रहे हैं, ठीक, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखिए इतना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, फिर ये वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों जोड़ दीजिए आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम निकालेंगे, डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं, ठीक ना, चलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अब ए बी डी निकाल रहे हैं, तो ए इसको मानिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखिए, x1 -4, बताओ यहाँ कितना लिखें, y2 कितना बनेगा, -5, y2 - y3 ये हो गया 3, ठीक। अब प्लस x2 -3 है, x2 के बाद y3 -y1 -2 है, यहाँ माइनस लिखेंगे तो +2 हो जाएगा, अब फिर x1 x2 हो गया, अब x3 2 x3, अब यहाँ y1 - y2 y1 - 2 - -5, ये +5, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, ये मिल गया -4, अभी कितना मिलेगा, -8, ठीक है ना, अब -3, अभी 3 2 5, अब ये 2 × 1 कितना आएगा, 5 में से -2 करो 3, ठीक,
अब इसको लगा लीजिए एक बटे दो, 8 चौक 32 प्लस 32, और ये माइनस 15 प्लस 6, ये हो गया 1/2, कितना आएगा ये 32, चलिए 15 में से 6 घटा दीजिए हैं, -9, ठीक। अब 32 में से 9 निकालिए, कितना आएगा 21 ना, 12 में से 9 गए 2, बचा 12 में से 9 गए 3, और ये बचा 23 23/2। चलो भैया ये तो हो गया त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, अब निकालेंगे बीसीडी का क्षेत्रफल, ठीक। इसको कहाँ लिखें, चलिए ऊपर लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में ऐसे लगाइए फिर नीचे लगाइएगा। तो एबीडी हो गया, फिर त्रिभुज निकालेंगे यहाँ हम बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी बीसीडी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब रखिए फार्मूले में, ये हो जाएगा x1 कितना बनेगा, x1 -3, ठीक। अब x1 के बाद y2 -2, y2 -y3 -3, ठीक। प्लस यहाँ x2 y3 y3 हो जाएगा 3 -y1 y1 कितना है -5, ये +5 हो गया। प्लस x3 हो गया 2। अब यहाँ लिखेंगे x3 के बाद y1 - y2, y1 कितना बना -5, y1 - y2 y2 +2। अब ठीक है ना, ये दिख रहा है स्पष्ट। अब लगाइए ये कितना मिलेगा, अच्छा ये 1/2 यहाँ छूट गया, 1/2 ये मिला, -3 ये कितना मिलेगा -5, ठीक है। +3 × 8 5 × 3 = 8, अब 2 × कितना है -3, ठीक। अब इसको लगाइए 1/2, ठीक है ना, 5 × 3 = 15 प्लस 15, अब ये मिला 8 × 3 = 24, अब -6, ठीक। अब इसको लगाइए कितना मिला 1/2, ये 15 में से 6 निकाल लीजिए, या 15 रहने दीजिए, 24 में से 6 निकाल लीजिए, 24 में से 4 गए 20, 2 गए 18, सही है ना, 18 × 6 = 24। अब लगाइए 1/2, ये कितना आएगा 8 8 5 13 3 33, तो ये लिखेंगे 33/2, ठीक। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा जोड़ देंगे, है ना, चलिए यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, रेड पेन से लिखें, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ना, और प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इसको सॉल्व कर लीजिए, ABD कितना हुआ 23/2, और प्लस 33/2, अब ये आ जाएगा कितना 6 5 56/2, 2 काट दीजिए, 2 × 4 = 16, तो ये आ गया 28 वर्ग इकाई, ठीक। ये मिल गया हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।